अलवर में सोमवार को बुजुर्ग दंपति के घर में किलकारी गूंजी। हैरानी होगी कि महिला की उम्र 70 साल और पति की उम्र 75 साल है। शादी के तकरीबन 54 साल गुजर गए। अब दोनों को पहली संतान हुई है। घर आंगन में किलकारी गूंजने से दोनों बेहद खुश हैं। इधर IVF तकनीक से संतान कराने वाले डॉक्टर का दावा है कि राजस्थान में यह अनूठा मामला है। अब इतनी उम्र की महिला ने बेटे को जन्म दिया है। हालांकि इस तकनीक से देश दुनिया में पहले भी कई बुजुर्ग दंपति 70 से 80 साल की उम्र में भी माता पिता बन चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश के युद्ध में झुंझुनू के नुहनिया गांव के पूर्व सैनिक गोपी चंद को पैर में गोली लगी थी। दोनों को संतान नहीं थी। अब इस उम्र में IVF तकनीक से संतान हुई तो जीवन का मनोरथ जैसे पूरा हो गया। गोपी चंद के आंगन में पहली बार किलकारी गूंजी है। इस खुशी का उनके घर में 54 साल से इंतजार था। IVF तकनीक से बेटा हुआ तो पहली संतान की खुशी कैसे जाहिर करें, समझ नहीं पा रहे हैं। गोपी चंद का कहना है, अब वे भी दुनिया में सबके बराबर हो गए। घर में संतान आ गई तो उनकी कुनबा भी आगे बढ़ सकेगी। चंद्रवती की आंखों से तो बार बार खुशी के आंसू निकल आते हैं। IVF एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता कहते हैं, देश भर में इस उम्र में बच्चे पैदा होने के गिने चुने ही केस हैं। राजस्थान का शायद यह पहला केस है जब 75 साल के पुरुष व 70 साल की महिला को संतान प्राप्ति हुई है। गोपी चंद ने बताया कि वे अपने पिता नैनू सिंह के इकलौते बेटे हैं। इस कारण घर आंगन में एक संतान का साल 1968 से इंतजार था। साल 1983 में सेना से रिटायर हो गया, तब से पत्नी की देश भर के डॉक्टरों से जांच करा चुका था, लेकिन संतान नहीं मिली। रिश्तेदारों के जरिए IVF के बारे में पता लगा, तब अलवर के IVF सेंटर में डॉक्टर पंकज गुप्ता से मिले। यहां डॉक्टरों ने दवा दी। फिर 8 अगस्त को अलवर के 60 फीट रोड पर RR हॉस्पिटल में 70 साल की चंद्रवती ने पुत्र को जन्म दिया है। बच्चे का वजन करीब 3.25 किलो है। बेटा इतना सुंदर है कि डॉक्टर बार बार गोद में लेकर खिलाने लगते हैं। खास बात यह रही है कि RR हॉस्पिटल की यह पहली डिलीवरी थी। बेटे को देखने के बाद गोपी चंद ने कहा कि 75 साल की उम्र में संतान मिली है, इससे बड़ी खुशी दूसरी नहीं हो सकती। मैंने आर्मी में नौकरी की। बांग्लादेश के साथ हुए युद्ध में पैर में गोली लगी थी। 1983 में सेना से रिटायर हो गया। 1968 से ही संतान का इंतजार था। परिवार के लोगों को पता लगा तो सबने खुशी जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। डॉक्टर साहब के पास आया, इन्होंने मेरे को गाइड किया। उस गाइड के अनुसार मैं अपने परिश्रम मेहनत करता रहा। 75 साल की जो है पुरुष और 70 साल की महिला के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बाद जो ये सफलता मिली है, ये अभूतपूर्व है, ये कमाल की है। राजस्थान में शायद ये पहला केस है। जो कॉम्प्लिकेशन था वो प्री क्लैम्प्सिया हो रखा था, बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखा था इनका, तो इसलिए हमें सीजरियन करना पड़ा।